आपने अगर सब कुछ खो दिया है, आपका अगर कुछ नहीं है और आप यहाँ हैं, स्वागत है। उसके लिए डोमिसाइल 2 पर चर्चा की जाए, स्थानीयता 2 पर चर्चा की जाए, लेकिन आप कहेंगे कि दिवाली यहाँ छठ वहां, भैया माफ कीजिएगा, ज्यादा नहीं सहना आता है। अब कितना सहेंगे भाई, यही सहने की दशा है ना। यही सहते सहते हम लोग तो सब कुछ गंवा दिए, हजारीबाग गंवा दिए, नहीं गंवाए। क्या है विधायक यहाँ का, कहाँ का है, यूपी का, कितना गंवाएंगे विधायक गंवा दिए, सांसद कहाँ का है, सांसद भी गंवा दिए। क्या लगता है भैया कहाँ जाइएगा, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए आज खड़ा हो जाओ, जाग जाओ। अभी तो विधायक सांसद हाथ से गया है, ये जमीन खेत खलिहान सब चला जाएगा। और क्या लगता है आपको कि भला करने के लिए विधायक बना है क्या, पता कीजिए। झारखंड का सबसे अमीर विधायक में मनीषवा आता है, ये देखा कि हजारीबाग में टोल रोड नहीं है इसके विधानसभा में ना, ये जाके डुमरी का टोल प्लाजा इसी का है, पता नहीं है क्या, पता है ना, इसका टोल प्लाजा डुमरी में है कुलगो वाला। क्या लगता है विकास करने के लिए आया है, दोनों हाथ में लड्डू खाने लोग यहाँ आया है। और हम खुले मन से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता, वो बनना यहाँ मंत्री बन के बैठा है। अब आप कहेंगे कि अब पढ़ा लिखा लड़का हो गया, सब बयान क्यों दिए, चलिए बताते हैं क्यों दिए, कि माननीय बन्ना को गन्ना छीलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा, माननीय बन्ना जी, मंत्री है थोड़ा जी लगा देते हैं, माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच पटमदा क्षेत्र में, क्या भाषण दिया पता है, माननीय मंत्री ने भाषण दिया है, क्या भाषण दिया पता है, कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय शिक्षा सॉरी स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए, कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए, क्या बोल रहे हैं कि एसडीओ हमके पकड़ लिए, आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार ऐसा उदाहरण देगा, इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी कैसा उदाहरण दे रहा है, यानी स्टूडेंट को बोल रहा है कि काहे पढ़ाई लिखाई में समय गवा रहा है, चोरी उरी करो, बनना गन्ना छीलने लायक नहीं थे, बनना बन गए, मंत्री जी के बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार माँ ने जूठन खा के अपने पुराने गहने को पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा है। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि किस प्रकार फटी धोती फटी गमछी में खेती करके पैसा जुगाड़ करके आपको हॉस्टल पढ़ने भेजा है। के हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौ युवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा कल कहां आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान वो नौकरियां पूछती हैं कि दादा कल कहां आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। फिराया लाल के आसपास हमारे दो साथी रहते हैं, जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या, हम बोले हार अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं, तो बोला ठीक है हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई 1 बजे उठकर देखे कि वो दोनों साथी कहां गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह ही हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में है हम लोग, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है,
हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे थर्ड और फोर्थ ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। थर्ड और फोर्थ पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है, और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहां रहेंगे? साथ ही निवेदन करेंगे, जो कार्यपालिका के अंग है, जितने भी थाना प्रभारी पुलिस कर्मी आए हैं, आपसे भी निवेदन होगा, आप लोग भी इस लड़ाई में अंदरूनी सपोर्ट करें। और आपको तो भाई सूचना भी दिया गया है, तो भले यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, हमको तो डाउट है। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो चारों कोना में होना चाहिए, एक जगह जमा के क्या करना है? यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो पीछे भी होना चाहिए था, एक ही जगह जमा है, यानी लाठीचार्ज के इरादे से आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दोषी नहीं देंगे। आप अपनी ड्यूटी बचाइए, हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि मन करे लाठी चलाने का, भर के मारिएगा, इधर गोण हाथ में मत मारिएगा, कपारे में मारिएगा। बहुत परेशान हो गए साल भर से। बाकी यदि सुरक्षा के लिए आए तो अभी भी ड्यूटी निभाइए, चारों तरफ फैल जाइए और आधा घंटा संबोधन करेंगे। हमको पता है आप नहीं फैलेंगे, हमको पता है आप इधर उधर नहीं फैलेंगे, क्योंकि आप सुरक्षा के दृष्टि से नहीं, आप तो लाठी के चार्ज के, क्योंकि आप तो सरकार के लोग हैं, आप तो सरकार के लोग हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, आप सरकार के लोग हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, सरकार जनता की है। सरकार जनता की, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? यदि नहीं मानते हैं तो जाइए, वीडियो साहब सामने हैं, वो लिखे होंगे जेपीएस झारखंड पब्लिक सर्विस। हम झारखंड और पब्लिक का स्पेलिंग नहीं जानते, सर्विस SERVICE, सर्विस माने सेवा, सर्विस माने सेवा। तो सेवा का काम कौन करता है? सेवक। लेकिन जो पैसा लेकर सेवा करे उसे सेवक नहीं नौकर कहते हैं। साफ बात, डरने की क्या बात है? भारत का संविधान कहता है पीपल फॉर द पीपल, जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा। अतः इस देश में यदि किसी को सजा होनी चाहिए, यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपाल पर बजड़नी चाहिए तो देश के संसदों के ऊपर, देश के संसद के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बले कहते हैं ना, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना, हम लोग पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग है ना, सब दसवां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, मैं प्रार्थकण, उद्देशिका। अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पढ़ना क्या कहता है? हम भारत के लोग, समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्ज पर अपना मोच घुमाने का मन करे तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं, संविधान की सभा में बैठे हैं,
राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं अडानी के लिए, कानून बना रहे हैं अंबानी के लिए, कानून बना रहे हैं टाटा के लिए, कानून बना रहे हैं उषा मार्टिन के लिए। इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है उन पर बजाइए। फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है अभी तुरंत, इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं उनके बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार, वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है, तो आपको क्या समझ में आएगा। इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर, आप तक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा। पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा, आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है, 5 साल कोई तैयारी करता है, क्या समझ में आएगा हुक्मरान। इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट ले जो भी सत्ता में बैठे हैं। यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए हैं, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में है, हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। हम लोग भी चाहते हैं इस देश में हिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए, लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा चीखे गूंजे की धरती में चीख चीख में क्रंदन होगा, चीखे गूंजे की धरती में चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फरमित मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग, ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा स्तर तोरा सेक्रेटरी बने हैं तो बिहार कर लेने, सेक्रेटरी बन के खुश ही ना, प्रधान सचिव को ना बन जिमी को, हाँ संजय दा कुमार हो और तरह सचिव बने वो क्या बिहार भाई हम की करियो, कहले वाली असम के तर्ज पे बन तो तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा कर रखो। तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार रहो, संजय दा तोरो बिया पे ना आ रहा, संजय दा हो, संजय दा पर सेक्रेटरी बन तो मनोज दा के भी सेक्रेटरी रख भी सेक्रेटरी बन तो बिया भाई लो ना। हाँ तो कह दिए अगर सारा शक्ति है अगला सेक्रेटरी रहते अखनी सभी असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नए बन लो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल अखनी के एकदम धोतिया फाड़ के पिटल अखनी, आज भी दिल्ली से दम नहीं भले असम जाए के रिटर्न, सच्चाई घटना बता रहे हैं। इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा गुलगुला के पीटा है,
आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता, पानी सर से ऊपर हो, तो गुलगुला के पिटिए जो मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी वाले मिले, एमएलसी वाले मिले, एमएलए वाले मिले, इधर बहन जो भी मिले, कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं, असंवैधानिक असंवैधानिक असंवैधानिक, बारी भित्री भाईचारा, उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, लोकलिटी के आधार पर होगा, स्थानीयता के आधार पर होगा, तो क्या गलत है भाई? और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो जब बंटवारा हो गया है, आपके हिस्से में नदी के किनारे किसी के हिस्से में बहियार मिला, तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है? बताइए हम कहाँ गलत है? हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप नहीं हमको बंटवारा दिया है, बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा बिहार से अलग हुए, हम अलग हुए अपने, तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है, चाहे वो बंजर है, चाहे जिस अवस्था में, चाहे मरुस्थल है, हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर, वो हिस्सा हमारा है। आप वहां दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? बंगाल वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? क्या गलत है भाई? ये भाईचारा भाईचारा भाई भाई, हम तो बोल रहे बड़ा भाई है, इसलिए बड़ा भाई आपको जो हिस्सा मिला है, आपको सोन नदी के किनारे मिला है, किसी को हुगली नदी के किनारे, हमको दामोदर मिला, छोड़ दीजिए, हमको सोनरेखा नदी के किनारे मिला है, हमको संजय नदी के किनारे मिला है, हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है, हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है, काहे छीन रहे हमारे अधिकार को? इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे, ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है, ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है, इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, और सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही, सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने। अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती है तो याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगली बार आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। और साथ ही जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 2002 के आसपास नियोजन नीति अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था, तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला, तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टप की लड़ाई होती है, उसे प्रतिबंध किया गया था, तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, इतना जोरदार विरोध हुआ, हाईकोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है, तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी जलीकट्टू के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है नियम बना के आइए, नहीं तो पटवा में कीजिए, चाहे सटवा में कीजिए, महुआ से खाइए, चाहे नकवा से, चाहे कणवा से, जो करना है भित्रे कीजिए, नहीं तो भित्रे रहिए, बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10%, यानी अनुमान 3 करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा, 3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% लेते हैं, 3 लाख, 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। तो इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो,
इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा। किसी के वेट में मत रहिए, कोई आपके बीच मसीहा बनकर नहीं आएगा, ना कोई दिव्य शक्ति लेकर आएगा। जो भी होगा यहीं पे होगा, आपके बीच से होगा और आपके बीच में से ही कोई करेगा। इसलिए आज नौजवान साथियों, मैं अंतिम संबोधन के साथ साथ यही कहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई नियम और कानून के साथ है। हम लोग बोले तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग तो मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एमपी कोटा से शायद इंटर पास किए हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी गुरुजी का कोटा से कि बाप एमपी है। हमारे यहाँ कितना भाई लोग पीएचडी है, हम भी खुद पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो इंटर वाले मुख्यमंत्री से मिलके क्या बात करें, बात ही करनी है, करेंगे बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड मुख्य सचिव से बात करेंगे। बुलाइए बुलाइए, टेबल टॉक कराइए। क्या है बार बार एसडी और डीएसपी लोग परेशान कर रहे हैं, मुख्य सचिव से बात करने के मूड में है, टेबल टॉक कराइए। और वचन देते हैं, घड़ी देख के सोनाटा हो, टाइटन हो या चिमटी हो, अगर 60 सेकेंड खामोश कर दिए तो खामोश, 60 सेकेंड कोई आए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड आए, मुख्यमंत्री का मत भेजिएगा, जो भी आते हैं आइए, झारखंड के किसी भी विषय में, डोमिसाइल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे आना है आके बात कीजिए, आप ठंडा पानी लेके आइएगा क्योंकि मिजाज हम लोग का गर्म है। आइए बैठ के बात करते हैं। और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं मनोदा की, वो ड्राफ्टिंग हम लोग राज्यपाल को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे कि यदि आपके भेजे में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग के भेजे से ले लीजिए, ताकि लोग ये नहीं कहें कि ऊपर वाले ने आपको धरती में भेजा तो, लेकिन भेजे में भेजा भर के नहीं भेजा। इसीलिए हमारे भेजे से ले लीजिए, हम लोग के भेजे में बहुत कुछ कुछ है, सबके भेजे में, सब पढ़ने वाले छात्र हैं, एमए कर रहे हैं, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, कोई बैचलर ऑफ साइंस है, कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कोई मास्टर है, कोई पीएचडी है, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए क्योंकि आपका भेजा पूरी तरह खाली है। ये तो सच्चाई आपको माननी होगी, नहीं तो बताइए, नियम बना नहीं है और विधानसभा बोल रहा है कि हाईकोर्ट रद्द कर देगी, मरने से पहले भूत बन गए हैं। अजब कहानी हमारे राज्य की। सही कहते हैं, छात्र सड़कों पर, छात्र हताश, छात्र परेशान, छात्र की आंखों में नींद नहीं, छात्र के आंखों में सपने नहीं, और ये महाशय लतरातू डैम का मजा ले रहे हैं। 70 लाख का क्रिकेट खेला, सुने कि नहीं आप लोग, किसी को बैट पकड़ने नहीं आता है, अरे खेलना ही था तो देते, चंदा उठा के दे देते। नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं, जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले हैं क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायक है, अभी पढ़ी लिखी है, इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या, लेकिन चूंकि महिला है और हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है ये हैं, जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे, ये आपको गन्ना छीलने का कैपेसिटी नहीं है, यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री, हाँ दे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री उंत्री तो चलता, अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम एगो मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का, 11 का मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 या 7 को नॉन मैट्रिक है, माने मैट्रिक हो ही पैसा देके पास करना, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे,
या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे और कोल्हान के गोदू का मंत्री है, नॉन मेट्रिक है, बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया बेरवी करने के लिए, बोले सुनिए सेक्रेटरी साहब हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा, बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरीट का, जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए, बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई एक कानून था कॉन्ट्रैक्ट का, तो बोला हमको पता नहीं है कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कानून बना है, तो बोला सर कौन किया, बोला आईएएस लोग किया होगा। तो सवाल बनता है इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं क्या भाई कौन चला रहे हैं, पंकज जी चला रहे हैं, नहीं वो तो अभी जेल में है। ये राज्य का दुर्भाग्य है, पूजा सिंगल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम, जिस दिन पूरा खुलेगा पूरा हिसाब खुलेगा। और आज चूंकि मीडिया के बंधु हैं, समय अब ज्यादा नहीं लेंगे, आपको एक संदेश देंगे, आज आप लोग नए नए हैं, जिस दिन आप लोग पुराने हो जाएंगे, जब आपका भी बाल पकेगा मीडिया बंधु, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हजारीबाग के धनबाद के बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन।